हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नीट 2020 के लिए कंप्लीट फुल सिलेबस का एक लाइव मॉक टेस्ट। मैं लेने जा रहा हूं जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस बेहद शानदार हैं कंप्लीट एनसीईआरटी से। अगर ये 90 क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं टेस्ट, अगर इसमें 85 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो नीट में मैक्सिमम चांस है तुम 88-89 स्कोर करोगे। मीन्स तुम यहां जितना स्कोर करोगे ना, उससे 5 से 6 नंबर ज्यादा, मीन्स 5 से 6 क्वेश्चन ज्यादा तुम जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला होगा तुम वहां स्कोर करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेहद शानदार हैं। तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं उनके पास जल्दी से ये लिंक शेयर करो। मैं 1 मिनट के अंदर ये सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं, कंप्लीट लाइव मॉक टेस्ट नीट 2020 के लिए। ओके, और कल एग्जाम का जो पोस्टपोन होने वाला डेट है वो कल आ जाएगा। कल शायद चांस है वो 12 बजे तक आ जाए, दिन में 12 बजे तक। तो फिर उसके आगे कैसी होगी स्ट्रेटजी, कैसा क्या होगा, मैं वो चीज टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसमें सारे अपडेट्स तो मैं मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी तुम्हें इसे ज्वाइन कर लेना है और यहीं पर तुम्हें सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो टोटल 90 क्वेश्चंस हैं। टारगेट रखनी है हमें कि आज हम 85 प्लस, मींस 340 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। लास्ट में मैं मार्क्स पूछूंगा कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं। ओके, और क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे एनसीईआरटी से डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोनम, आगे का जो शेड्यूल है ना मैं वो बताता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिट्स फॉर बायोलॉजी, टेलीग्राम पे सर्च करना, सब कुछ तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। तो चलो, टाइम भी हो चुका है, अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, तुम्हारे कमेंट्स मुझे नीचे विजिबल है। ओके, चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन के सामने ये रहा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन फिगर। ये डायग्राम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये डायग्राम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का डायग्राम है। सबने देख रखा होगा ये डायग्राम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी से बताओ क्या लग रहा है तुम्हें आंसर। ज्यादातर लोग लगा रहे हैं आंसर बी सी ए। देखो, सिंपल सी बात अगर कहते हैं, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में तुम्हें कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं लग रहा है। मिस ये डायग्राम में फ्री है जो तुम देख पा रहे हो यहां पे, तो ये कंडीशन कैसा हो जाएगा, फ्री सेंट्रल हो जाएगा। चांसेस 2 हैं फ्री सेंट्रल के। तो तुम जानते हो जब फ्री सेंट्रल डीपी स्कूल में छुट्टी पड़ी है, ठीक है, मींस सेंट्रल स्कूल में डीपी की छुट्टी पड़ी है, तो डीपी मींस प्राइमरोज होता है और एक हो जाएगा क्या, डायंथस हो जाएगा। तो एग्जांपल तो तुम्हें याद होने चाहिए, तो डायंथस और प्राइमरोज फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which worm the following is a domain? तुम्हें कौन सा यहां पर देखने में डोमेन लग रहा है ये बताना है तुम्हें। तुम्हें डोमेन कौन लग रहा है यहां पर देखने में। चार चीजें दे रखी हैं, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, मोनेरा और प्लांटी। डोमेन, थ्री डोमेन सिस्टम सबको मालूम होगा, कार्ल वूज ने दिया था। तो डोमेन यहां पे कौन सा लग रहा है तुम्हें, तो डोमेन बैक्टीरिया लग रहा होगा। डोमेन कौन है, बैक्टीरिया। फिर एक और तो यूकेरिया की कहानी थी, ओवरऑल मोनरा को ही इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, है ना। तो उसमें एक डोमेन जो आएगा वो क्या है, बैक्टीरिया। डोमेन जानते हो ना क्या होता है, डोमेन इज ऑल्सो नोन एज सुपर किंगडम। ठीक है, तो किंगडम तो तुम जानते ही हो, हमारे पास 5 हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उससे जो ऊपर है ना सुपर किंगडम, उसे हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, क्रोमोजोम के मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट मींस आईएफएस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या लगता है, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और ईआर। आंसर है माइक्रोट्यूबल्स। एज इट इज ये चीजें याद रखनी है, जितने भी मैंने एग्जांपल्स यहां पे दिए हैं ना। चलो एक और मैं लिख देता हूं, स्पेक्ट्रिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, स्पेक्ट्रिन वो भी एक टाइप का साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ही होता है। तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ईआर,
है तो सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, लेकिन क्रोमोसोम के मूवमेंट पे बात करानी है तो कौन हो जाएगा? माइक्रोट्यूबल्स। क्वेश्चन नंबर 4, सबने नाम सुना होगा अफीम, रबर, टॉडी। इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स बाय तीन ऑप्शन यहां पे हैं, मेकिंग इंजरी ऑन प्लांट पार्ट, एक्सुडेशन और ब्लीडिंग। तुम्हें लग रहा होगा कहीं ना कहीं सारा चीज सेम है यार, चाहे तुम एक्सुडेशन की बात करो, ब्लीडिंग की बात करो, मेकिंग इंजरी ऑन प्लांट पार्ट, तुम्हें लग रहा होगा सब तो कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी जिसे कहते हैं। याद आ रहा है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 1 mm से भी थिकनेस कम होती है, तो ऑल ऑफ दिस सारे रिस्पॉन्सिबल है ना यहां पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन सब चीजों पे डिपेंड करेगी, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, और गैसेस का प्रेशर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चार स्टेटमेंट हैं, तुमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। कोई भी क्वेश्चन लगे ना कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी से मैच कर लेना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट तुम्हें यहां पे करेक्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार, आंसर क्या जा रहा है? सेल्स ऑफ टेप्टम आर पॉलीप्लॉइडी, सही है। सेल्स ऑफ टेप्टम सिक्रेट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम, सही है। टेप्टम सबसे अंदर का लेयर होता है, हाँ हाँ सही है। टेप्टम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, नहीं, नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो 4 नंबर तो गलत हो गया, और बाकी 3 स्टेटमेंट यहां पे तो मेरे सही लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द फर्टाइल ह्यूमन साइट फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक 32 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर बताया गया है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस कब होगा? अगर 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तुमसे ओव्यूलेशन पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है इस फॉर्मेट में जो होते हैं। तुम सब जानते हो कि ओव्यूलेशन कौन से दिन में आएगा, 14वें दिन आएगा, 14th डे, तो वो 28th डे में आता है, तो ये तो फिक्स होगा कि 14th में ही होगा। तो 32 - 14 आंसर क्या है? 18। तो डे 18 में इनका होगा ओव्यूलेशन, 28 डेज की होती है तो 14 मानते हैं, और ओवुलेशन का तो फिक्स होता है कि 14 ही होगा, तो आराम से 32 - 14 कर दोगे तो डे 18 आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, म्यूटेशन में पढ़े होगे, पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एडेनिन से गुआनिन, साइटोसिन से थाइमिन, साइटोसिन से गुआनिन और थाइमिन से एडेनिन। जो डीएनए में जितने सारे तुम चेंजेस देख रहे हो, तो सारे चेंजेस कौन से टाइप में आते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, डुप्लीकेशन, किस में आएंगे ये सब? बहुत शानदार, कई बच्चों ने आंसर बता दिया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। सिंपल सी चीज है, पहला केस जो देख रहे हो तुम ट्रांजिशन का केस होता है, ये भी ट्रांजिशन का केस है, और लास्ट वाले जो दो हैं ये ट्रांसवर्जन का केस है। पॉइंट म्यूटेशन में एनसीईआरटी में पढ़ने को दिया है, एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल तो बताया नहीं है, लेकिन हाँ टर्म्स लिखे हुए हैं म्यूटेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अमंग द एंसेस्ट्री लाइन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के कई सारे एंसेस्ट्री लाइन है, पेलिकोसॉर्स, थेरैपसिड्स, सिनैप्सिड्स, थेकोडोंट, डाइफ्यूडोंट, ये सब कोई एंसेस्ट्री लाइन मैमल्स में नहीं आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1। मैं 10 क्वेश्चन पे पूछूंगा 10 में कितने आ रहे हैं, 90 में तो तुम्हें 85 प्लस लाना है, 10 में कितने ला रहे हो आउट ऑफ 10? एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज, कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन है? कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन है? बहुत शानदार, राबिया, बनानी, प्रियांशु, प्रशांत, आदित्या, निशा। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 1। कैंगारू रैट इन डेजर्ट, चाहे लॉइन होता इन फॉरेस्ट तो वो भी चला जाता। तो एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज के नंबर बहुत कम होते लेकिन अपने इकोसिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आउट ऑफ 10 कितने आ रहे हैं? टोटल 10 क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, आउट ऑफ 10 कितने आ रहे हैं? टोटल आज मैं यहां पे 90 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th।
तुम्हें पता भी चल जाएगा ना कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, उस पर काम करो। मैं तो ट्राई करूंगा कि डेली मैं ऐसे सेशन लेकर आऊं, तुम्हें पता भी चलेगा वीक टॉपिक कौन कौन है। तो सुभदीप के 9 आए हैं, आदित्य के भी 9 आए हैं, नजमूल के भी 9 आए हैं, विशी के 8 आए हैं, ओके 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 8 आए हैं गाय, ओके ओके, इतिश्री 9, ओके प्रियांशु 9, शुभदीप 9, ओके सही है, ठीक है। तो देखना होगा, अगर तुम 90 में मेरे टेस्ट में अगर तुम 85 प्लस ला रहे हो, चांसेस पूरी हैं कि वहां 90 में 88, 89, 90 तुम लाओगे। जितना तुम यहां मार्क्स लाओगे ना, तो बस उससे 5 नंबर ज्यादा आएंगे तुम्हारे, ठीक है। मींस ओवरऑल 5 क्वेश्चंस मींस 20 मार्क्स ज्यादा आएंगे, ओके। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस ले रखे हैं यहां पे, कंप्लीट बायोलॉजी की क्वेश्चन है ये, टोटल 90 क्वेश्चंस के क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11, फिर 20 पे बात करते हैं ना, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा पढ़ रखा होगा तुमने, कोई बात नहीं, लेट से ज्वाइन किया कोई बात नहीं, मार्क्स देखना होगा कितने आए हैं तुम्हारे, जितने तुमने लगाए उसमें कितने आ रहे हैं। When a flower can be divided into two equal halves in any radial plane passing through the center, it is said to be. पढ़ रखा है ना सबने एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में भी तो सेम यही चीज है ना, वहां पे कह देते हो रेडियल और यहां पे कह देते हो एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक किसमें होगा, मस्टर्ड में, धतुरा में और चीली में। तो 11 का आंसर क्या चला जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks? Bryophyte की लाइन है, Which of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks? अगर कहीं भी succession हो रहा है, तो succession में पहले कौन आते हैं? याद आता होगा ना, lichen, crustose lichen, उसके बाद foliose lichen, फिर उसके बाद mosses की कहानी आगे continue होती है। तो which of the following would appear as the first या pioneer organism on bare rocks? तो हो जाएगा lichen। तीन चीजें याद आती होंगी, पायनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो पहले आया वो पायनियर, जो बीच में जितने स्टेजेस आए हैं ट्रांजिशनल स्टेजेस में सीरियल स्टेजेस, और जो आखिरी कहानी है वो क्लाइमेक्स स्टेज की कहानी होती है, जिसमें बड़े बड़े प्लांट आते हैं, मेसोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, सबने ये डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम में कुछ लेबलिंग करनी है। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। A, B, C, D, E। सबसे पहला A जो तुम देख रहे हो, क्या A सेंट्रल सीध है? बीच वाला जो रेड वाला पोर्शन है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि तुमने सेंट्रल सीध खुद ही बोला। उसके बाद B नंबर में बात करते हैं, तो B वाला तो ब्रिज तुम्हें लग रहा है ना, तो B वाला क्या हो जाएगा, ब्रिज। तो रेडियल स्पोक भी नहीं है, तो आंसर क्या है, C वाली कहानी तुम्हें भले ही रेडियल स्पोक लग रही होगी जो यहां से निकले हैं सारे, और D वाली स्ट्रक्चर जो तुम्हें इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं इसे, और कोई बच्चा बताएगा इसे क्या बोलते हैं, आउटर डाइनीन। इसे क्या बोलते हैं, इनर डाइनीन। इस डाइनीन होते हैं, प्रोटीन होती है यहां पे, तो डाइनीन होते हैं। कोई बच्चा ये भी बताएगा कि यहां एसी लिंकर होते हैं या एबी लिंकर होते हैं, यहां कौन से लिंकर होंगे, एबी लिंकर। जैसे देखो ना, तीन ही दो ही तो है, तो ए बी लिंकर होती है। यही यही डबलेट का केस होता है, माइक्रोट्यूबल्स के डबलेट होते हैं, और वही सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में बात करते हैं, तो वहां ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर आती है नजर, वहां 9+0 होता है, और यहां ये टोटल स्ट्रक्चर 9 है और अंदर में 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट कह देते हैं सेलिया और फ्लैजला के स्ट्रक्चर में। चलो छोटू 14 में आ जाओ। अ स्टेम स्वेल्स अप इन स्टाउट एक्सिस डिजीज, इट इज ड्यू टू, स्टेम में स्वेलिंग आ जाती है जब स्टाउट एक्सिस, जब लंबे नहीं हो पाते हैं एक्सिस, मुड़ जाते हैं इस तरह से। 14, जब फूड ट्रांसपोर्ट ही ना हो रहा हो, जब ऊपर जा ही ना रहा हो, तो नीचे तो स्वेलिंग आएगी ना, यही तो कहती है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो कहीं ना कहीं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का ही तो लाइन है यहां पे। तो स्टेम स्वेल्स अप बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि स्टेम को कट कर दिया गया वहां पे, कहानी वही है। चलो 15 नंबर, तुम बोलोगे कि नहीं ये तो जॉइंट के नाम सुने ही नहीं है हमने, एक तो सुना होगा एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे तो हो जाएगा, एलिमिनेशन चलेगा यहां पे, एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे तो जल्दी हो जाएगा ये, और बहुत इजी वे में हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जहां तक ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि अच्छा पाइवोट जॉइंट दे रखा है, ये तो एनसीईआरटी में है,
पाइवोट ज्वाइंट के बारे में, और ये एटलस और एक्सिस के बीच में होती है, तो 4 का आंसर x है, तुम सबको एलिमिनेट कर सकते हो, खत्म, आंसर है 4। एग्जाम में यही दिमाग तो लगाना होता है कि अच्छा किस मेथड से कर सकते हैं, कुछ भी ना एग्जाम में समझ में आए कि ना मुझे ये याद है ना मुझे कुछ ट्रिक याद है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड करोगे तो क्वेश्चंस जीत जल्दी हो जाते हैं। तुम्हें तो चारों दे रखा है सामने, आंसर भी तुम्हारे सामने, बस एलिमिनेशन से ढूंढना होता है तुम्हें। 16, हाउ मेनी पार्ट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के स्ट्रक्चर से कितने रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 90 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कंप्लीट सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 16। ओव्यूल तुमने स्ट्रक्चर देखा है क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाट्रोपस ओव्यूल का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है 180 डिग्री, और बस तुम्हें वही बताना है कि ओव्यूल से रिलेटेड स्ट्रक्चर कितने हैं। अस्टोमियम तुमने सुना है, अस्टोमियम डेहिशंस ऑफ एंथर से रिलेटेड होता है तुम्हें लग रहा होगा, अब बताओ अस्टोमियम तो नहीं होगा। अब बचते हैं तुम्हारे सामने 6 ऑप्शन, 6 ऑप्शन में तुम और क्या हटा सकते हो बताओ, जर्मपूर हटा सकते हो, बचे तुम्हारे पास कितने, माइक्रोपाइल जहां से एंट्री होनी है, रैफे जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल में फ्यूनिकल के पास, चैलेजल एंड जो डायरेक्ट माइक्रोपाइलर के अपोजिट में होगा, एम्ब्रियो सैक जहां कहानी चलने वाली है, न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर तो है ना प्रेजेंट, तो 16 का आंसर क्या चला जाएगा, 3। अस्टोमियम डेहिशंस में होता है, जर्म पोर की बात करें वो पॉलन ग्रेन में होता है वो स्ट्रक्चर। 16 नंबर हो गया, 17 में आओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इन, क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ आंसर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम पहले की कहानी है फिर आए पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डिपेंड करता है किन चीजों पे, डिफर करता है किन चीजों में, साइज में और वॉल्यूम में, स्पर्मेटोगोनियम का साइज अलग है वॉल्यूम भी अलग है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ओके, तो ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अच्छा क्वेश्चन था। चलो 18th नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन इनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड्स 25th कोडोन इज म्यूटेटेड टू UAA, 25th में ही आकर कहानी रुक जाती है, 25th कोडोन इज म्यूटेटेड टू UAA, स्टॉप कोडोन आ जाता है, तो जब 25वें में ये आ गया तो बताओ ना 24 ही तो बनेंगे, तो आंसर क्या चला जाएगा, टोटल कितने बनेंगे 24 ही बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्मड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाई फोर लेम एंड लॉन्ग नेक इन जिराफ आर प्रेजेंट ड्यू टू, आर प्रेजेंट ड्यू टू, हाई फोर लेम एंड लॉन्ग नेक इन जिराफ्स आर प्रेजेंट ड्यू टू, किसके कारण प्रेजेंट होंगे, एक तो लैमार्क ने दी थी अलग थ्योरी जो पूरी तरह से गलत थी थ्योरी, तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की ही बात मानी जाएगी, हाई फोर लेम एंड लॉन्ग नेक इन जिराफ्स आर प्रेजेंट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, पाइनियर स्पीसीज ऑफ हाइड्रोसेरेस, इसमें तुम बताओगे आउट ऑफ 20 कितने चल रहे हो, आउट ऑफ 20 कितने चल रहे हो, जल्दी से आंसर बताओ भाई, पाइनियर स्पीसीज ऑफ हाइड्रोसेरेस क्या लग रहा है, बहुत अच्छा, कई बच्चे लगा रहे हैं सही आंसर, प्रकाश ने सही लगाया है, शुभदीप ने सही लगाया है, बहुत शानदार, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तुमसे यहां पूछ रखा है हाइड्रोसेरे के बारे में छोटू, किसके बारे में, हाइड्रोसेरे, तुम बता रहे हो जेरोसेरे, तुमसे पूछ रखा है हाइड्रोसेरे, तुम बता रहे हो जेरोसेरे, आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी पाइनियर स्पीसीज होते हैं, कहने का मतलब पहली पहली बार आए हैं तभी तो बोला गया इन्हें पाइनियर स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लीव्स आर कन्वर्टेड इंटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस इन, लीव्स आर कन्वर्टेड इंटू, रैफी जो स्ट्रक्चर है ना सुबदीप, वो प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, कई सारे स्ट्रक्चर के नाम सुने होंगे तुमने, रैफी फ्यूनिकल के पास वाला स्ट्रक्चर होता है, लीव्स आर कन्वर्टेड इंटू स्पाइन फॉर डिफेंस इन,
16 आए हैं, 22 आए हैं, 19 आए हैं, ठीक है ठीक है। चलो अगले में और इंप्रूव करो भाई, अगले में और इंप्रूव करो। टोटल 90 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तुम्हें पता भी चलेगा ना कि तुम्हारी कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कैक्टस, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दी सैक फंजाई बिलोंग्स टू, नाम सुनो होगा तुमने सैक फंजाई का, इजी सा क्वेश्चन है। दी सैक फंजाई बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसेटीज से बिलोंग करता है सैक फंजाई, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, ईस्ट है, स्पर्जिलस है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स है, मॉरल्स है, ट्रफल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 23, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन। इन अ डिप्लॉइड सेल आफ्टर इस फेज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 80 पिकोग्राम, आफ्टर इन अ फेज टू सिचुएशन विल बी इन इज आउटर न्यूक्लियस। In a diploid cell, after S phase, quantity of DNA is 80 picogram. After N phase 2, situation will be in its daughter nucleus. तो देखो ना, बात किसकी चल रही है? N phase 2. दिमाग में आनी चाहिए बात। अच्छा, meiosis चल रहा है। अगर meiosis चल रहा है, तो meiosis चलने के बाद चार तो बनेंगे daughter cells, ठीक है? चारों में बंटवारा कैसे होगा 80 का? 20, 20, 20, ठीक है? इस तरह कुछ बंटवारा होगा। 40 वाले तो काट दो, ये तो होंगे नहीं। अब तुम सिंपल सा बात समझो कि जो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे वो हैप्लोइड बनेंगे या डिप्लोइड बनेंगे? हैप्लोइड बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, खत्म। 23 का आंसर 4 है। चलो छोटू और 24 में, ऑटम कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट पिगमेंट, के नाम याद रखने हैं तुम्हें कि ऑटम कलरेशन क्यों होता है। ऑटम कलरेशन जो भी लीफ में देखने को मिलता है वो क्यों होता है, वो किसके चलते होता है? वो ल्यूटीन के चलते होता है। ल्यूटीन इज टाइप ऑफ पिगमेंट ड्यू टू विच ऑटम कलरेशन अकर्स। 25, टार्सल्स कितने हैं, कार्पल्स कितने हैं, और होते कहां हैं ये? टार्सल्स कहां हैं और कार्पल्स कहां हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से चुराया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ टार्सल्स कितने, जल्दी से छोटू, नंबर ऑफ टार्सल्स कितने, कार्पल्स कितने, 8 हो गए। अब तुम्हें बात बतानी है कहां होते हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं टार्सल्स की, तो टार्सल्स कहां हो जाएंगे, एंकल के पास। कार्पल्स कहां हो जाएंगे, तो रिस्ट में हो जाएगी। तो बात सिंपल सी है ना, कार्पल्स आर 8, 8 होते हैं पैरों में, वही चीज 7 हो जाती है, खत्म। तो 25 का आंसर 4 जाएगा, 7, 8 एंकल रिस्ट। चलो 26, How many meiotic division are required to form 400 seed of wheat? Wheat के तुम्हें 400 seed बनाने हैं, तो कितने meiotic division की requirement होनी चाहिए? Question number 26, easy सा question है ये। कितने meiotic division required होंगे? ये as simple paper है जो 2020 में आ सकता है ना, उसके type का paper है। अगर मुझे meiotic divisions निकालने हैं, तो n plus n by 4 होना चाहिए। तो n प्लस n बाई 4 एक फॉर्मूला होता है, तो ओवरऑल 5n बाई 4 आ जाएगा। n इक्वल टू नंबर होता है कितने सीड्स बने हैं, कितने गैमेट्स बने हैं, कितने क्या बने हैं। तो कितने बने हैं यहाँ पे, 400 बने हैं, ठीक है। और टोटल हैं कितने है? नीचे 4, तो बस कर लो कैलकुलेट, 100 आ गया और यहाँ पे आ गया 100 इंटू 5, 500, आंसर है 4। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर तुम n प्लस n बाई 4 नहीं याद कर पाओ तो डायरेक्ट याद रख पाओ 5n बाई 4, अगर आते हैं ऐसे तुम ऑर्डर डिवीजन निकालने के लिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसे। 27 पूछा गया, व्हाट फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड। घबराने की बात नहीं है, ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइपिक पूछा है, जीनोटाइपिक नहीं, फिनोटाइपिक पूछा है। कंप्लीटली लिंकेज की कहानी रहेगी तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27, तो सिंपल सा वही होगा जो ट्राइहाइब्रिड की कहानी चलती है, 9:3:3:1। एनसीईआरटी नहीं बोलती ट्राइहाइब्रिड के बारे में, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे ट्राइहाइब्रिड दे दे चाहे टेट्राहाइब्रिड दे दे, घबराने की बात नहीं है। चलो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का तुम्हें कौन सा फीचर नहीं लग रहा है? लेस देन 20% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। क्रोमोसोम 1 हैज फ्यूएस्ट जीन, गलत। क्रोमोसोम 1 के पास थोड़ी होता है सबसे कम, आंसर क्या होगा? 2। सारे एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे लाइन जिस पे तुम कभी गौर नहीं करते थे, वो लाइन लाया हूं आज। चलो 29,
29. The factor which favors the Hardy-Weinberg equilibrium in a population. The factor which favors the Hardy-Weinberg equilibrium in a population. In a population. Answer क्या हो जाएगा? Random mating बोलते हैं इसको, है ना? तो Hardy-Weinberg equilibrium. चलो 30 number. Cardiac glycosides are produced by which plant? NCRT, ecology, organism and population. Cardiac glycosides. यहाँ पे इसलिए तो नहीं जाते कोई भी herbivore animals. क्यों? क्योंकि calotropis में cardiac glycoside एक chemical present होता है जो नुकसान पहुंचाता है उन्हें. 30 क्वेश्चन हो चुके हैं. एक बार जल्दी से तुम अपने मार्क्स बताओ कितने आ रहे हैं. मार्क्स बता दो छोटू जल्दी से, कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 30? आउट ऑफ 30 कितने आ रहे हैं? आज लाइव फुल सिलेबस है बायोलॉजी की, कंप्लीट लाइव मॉक टेस्ट चल रही है. कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स? कितने आ रहे हैं जो जहां से तुमने ज्वाइन किया हो? तुमने अगर 20 से ज्वाइन किया, तुमने अगर 10 से ज्वाइन किया, कितने आ रहे हैं आउट ऑफ? ठीक है, 24 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, 27, 26, 27. ओके ओके, प्रमिला ने लेट से ज्वाइन किया तो 15 में 13 आ रहे हैं. ओके, राबिया ने भी लेट से ज्वाइन किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट से ज्वाइन किया ना, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो, ये मैं जो टेस्ट करवा रहा हूं ना, ये 90 क्वेश्चन का टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस का ये टेस्ट है, लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है ये. अगर तुम यहां 80 मार्क्स ले आते हो ना, तो 80 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो फाइनल एग्जाम में तुम 85 तक पहुंच जाओगे, है ना. बस तुम्हें लिख लेना है साइड में क्या 6 मेरा वीक पोर्शन है. मैं चैप्टर का नाम बता ही रहा हूं तुम्हें, कहां से पूछा गया है, बस तुम्हें बताना है कि हाँ मेरा ये वीक पोर्शन लिख लेना है तुम्हें और उस पर काम करना है पूरा दिन, यही तो काम है लास्ट में ना. क्वेश्चन नंबर 31, फंक्शन क्या है सीप? फंक्शन जो सीप ट्यूब्स का है उसको कौन कंट्रोल करता है? सीप ट्यूब बेचारा गरीब है. सीप ट्यूब ने दोस्ती की किसके साथ? कॉम्पेनियन सेल के साथ. बोला कि तुम्हारे न्यूक्लियस से ही काम चला लेंगे. आंसर क्या जाएगा? कॉम्पेनियन सेल. द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल्स. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 6. 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज डायोशियस? एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का क्वेश्चन एनालिडा से, फाइलम एनालिडा. विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज डायोशियस? एनसीईआरटी कहती है नेरिस जो है वो डायोशियस है, बाकी सारे मोनोशियस होते हैं. नेरिस जिसके पास पैरापोडिया होता है जो स्विमिंग में मदद करता है. तो 32 का आंसर क्या होगा? 1 होगा, डायोशियस नेचर का होता है. 33, ये डायग्राम तुमने देखे होंगे एनसीईआरटी में, एक देखो इक्वेटर पे है, एक देखो पोल पे है, एक देखो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है. क्वेश्चन नंबर 33, पहली कहानी ये जो जब तुम देखते हो इसको मेटाफेजिक प्लेट पे, तो मेटाफेजिक प्लेट पे देखते हो इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो आंसर तो समझ में आ जाता है कि मेटाफेज होगा. ठीक है, एक को तो तुम एलिमिनेट कर ही सकते हो, कि आंसर तुम्हें 2 भी लग रहा है, आंसर तुम्हें 4 भी लग रहा है. दूसरी कहानी ये तुम्हें साफ बता देती है कि ये कहानी जो भी चल रही है एनाफेज की कहानी चल रही है, क्योंकि पोल पे है. तो ये भी नहीं हुआ तुम्हारा, ये भी नहीं हुआ तुम्हारा. चलो, दो तीन चीज तो समझ में आ गई कि एनाफेज की है. उसके बाद ये जो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रही है, पहली स्टेज होती है माइटोसिस की, पहली स्टेज जब ये काम चल रहा होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्रोफेज. मिस आंसर है क्या? 1. ठीक है, इजी क्वेश्चन था. चलो क्वेश्चन नंबर 34. हाँ जी, ये क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन प्लांट से. हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एट एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरविक एसिड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तुमसे डायरेक्ट पूछा जाए ना, इसका आंसर मालूम होना चाहिए. कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स? कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो? कुछ तुम्हें याद है? पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज भी आता है इस्तेमाल में. कितने एटीपी? एनसीईआरटी की थ्योरी में लिख रखा है ये. टोटल कितने एटीपी? टोटल 2 एटीपी का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट 35, बोला गया 2 एडजॉइनिंग वर्टेब्रा हैं. आर्टिकुलेट्स एट हाउ मेनी जॉइंट विद ईच अदर? 2 एडजॉइनिंग वर्टेब्रा हैं, ठीक है. तो जब आर्टिकुलेशन होगा तो कितने जॉइंट के साथ आर्टिकुलेशन होगा?
हाउ मैनी ज्वाइंट विथ ईच अदर, थोड़ा सोचने वाली बात है ये, कौन कौन से ज्वाइंट वहां पे प्रेजेंट रहेंगे उसके ही थ्रू ये चीज होगा, है ना। एनसीईआरटीएस पढ़ना जाकर ठीक है समझ में आएगा तुम्हें वहां पर कितने होते हैं टोटल आर्टिकुलेशन, तीन ज्वाइंट के पास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, वैसा कौन सा मिनरल है जो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा, कौन सा मिनरल है, जब पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वहां पे भी जिक्र करते हैं बोरिक एसिड की, तो बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो बोरिक एसिड बोले तो बोरोन का केस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के लिए कौन सी बातें तुम्हें सही नहीं लगती हैं, जेनेटिक कोड क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक कोड, इट इज अनएम्बिगुअस, सही है, नियरली यूनिवर्सल, सही है, न्यूक्लियोटाइड को अगर तुम डिलीट कर दो या ऐड कर दो तो पूरी जेनेटिक कोड अलग हो जाती है, और कोडोन जितने भी होते हैं पढ़े जाते हैं किस वे में, कॉन्टेजियस मैनर में से कॉन्टिन्यूस मैनर में पढ़े जाते हैं, यहां पर उल्टा लिख रखा है, आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इकोलाई, ह्यूमन, और फिर ये दो हैं और बैक्टेरियोफेज वाला केस है और एक तुम्हारा 174 वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 38 डायरेक्टली डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग तुम्हें मैच करना है, क्या तुम्हें लगता है यहां पे क्या लगना चाहिए, थोड़ी सी बातें ह्यूमन के बारे में अगर पता होंगी तो ह्यूमन से ही केस ही कंप्लीट थोड़ा हो रहा है, तीन में एक एलिमिनेट हो गया है, इकोलाई का तो ये केस हो जाता है, वन का बी टू का सी, वन का बी टू का सी, दो तो एलिमिनेट कर चुके हो तुम, वन का बी टू का सी। नेक्स्ट थ्री में अगर चलते हैं हम गामा के केस में चलते हैं तो तुम्हारा 48,502 कैसे मैंने याद रखा है वो सुनो, कि जैसे जब आते हैं हम इसमें तो एक सिंपल सी चीज होती है कि तुमको याद रखना है, जैसे बड़ा नाम है बैक्टीरियोफेज तो इसमें बेस पेयर भी ज्यादा होंगे, इसमें कम है छोटा नाम है तो इसमें 5386 होगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है और एनसीईआरटी ने पूरे पैराग्राफ में इसे डाल रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का 3 हो जाएगा आंसर। चलो 39, कुछ सिम्टम्स बता रखे हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर एग्जांपल्स ऑफ, आर सिम्टम्स ऑफ, तुमने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके सिम्टम है ये, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अमीबियासिस के सिम्टम है, अमीबियासिस ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, हेलोटिज्म, मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप, मालिक और दासी की कहानी, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेलोटिज्म, इसके बाद तुम्हें बताना है जितने तुमने किए हैं उसमें आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, ये तो लाइकेन है ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेलोटिज्म कौन है, लाइकेन की बात करते हैं, एक बार जल्दी से मार्क्स हो जाए, 70 बच्चे प्रेजेंट हैं, लाइक्स बढ़ाते जाओ यार, जितने भी हो प्रेजेंट लाइक्स बढ़ाओ। चलो सही है, करिश्मा सुजीत सही आ रहा है, चलो एक बार मार्क्स बता दो अपने जल्दी से, एक बार मार्क्स जल्दी से बता दो कितने आ रहे हैं। हाँ जी मार्क्स बता दो, 28, 35। हाँ रश्मि हेलोटिज्म बड़ी सिंपल सी चीज है, हाँ प्रमिला वो सफिशियंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सबके, 38, 39, 36, 30। ओके देखो बड़ा सिंपल सा होता है लाइकेन, लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एक फंजाई होता है एक एल्गी होता है, एल्गी इसमें स्लेव है और फंजाई इसमें मास्टर है, तो मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप को हम हेलोटिज्म के नाम से बोल देते हैं। ओके हेलोटिज्म का मीनिंग वही बताया मैंने, ठीक है मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होता है, ठीक है हेलोटिज्म इसी चीज को हम कहते हैं। एक बार जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो ना, 80 बच्चे करीब प्रेजेंट हैं, जल्दी से लाइक्स को बढ़ाओ, और टोटल 90 क्वेश्चन है, तुम किसी पे ज्वाइन किए, चाहे मैं 20 क्वेश्चन करा रहा था या 25 करा रहा था या 10 करा रहा था या 1 करा रहा था, ठीक है तुम जल्दी से लाइक करो और बस लग जाओ, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं अगर डेली ऐसे तुम क्वेश्चन करते चले तुम्हें वीकनेस पता चल जाएगी कि मेरी वीकनेस है कहां, अगर एक अगर किसी ने वीकनेस पकड़ ली ना अपनी और उस पर अगर उसने अच्छे से काम कर लिया तो मैं कोई उसे नहीं रोक सकता, ही विल बी अनस्टॉपेबल। क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि खाना बनाता है ना राबिया वो, इसलिए उसको स्लेव बोला जाता है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तुम्हें नहीं आता, घबराने की बात है ही नहीं, एनालिसिस करना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 एनसीईआरटी में जाकर देखनी है स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छा ये था, फिर एक बार आप पेपर प्रैक्टिस करो इसको, यूट्यूब पे आओ, साउंड इसमें कम कर दो, बस जल्दी से आंसर लगाते चले जाओ, वॉल्यूम जीरो कर दो बिल्कुल, बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुम। जितने भी लैटरल रूट्स है ना, सब इंडोजीनस होते हैं, अंदर से निकलते हैं, तो बात किसकी चलती है, पेरिसाइकल, ठीक है। तो वो पूरा तुम्हें याद होना चाहिए, कैसे वेस्कुलर बंडल पीक तक की कहानी होती है, एपिडर्मिस से जब स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, एपिडर्मिस कैसे वो होता है, पूरा याद होना चाहिए वो। चलो 42। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ट्रू सिलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ट्रू सिलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहली बार अगर बात करें तो ट्रू सिलोम किसमें आया, पहली बार एनलिडा में आया। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ट्रू सिलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। राइबोसोम मे नॉट बी फाउंड इन, राइबोसोम मे नॉट बी फाइंड इन, राइबोसोम ही क्या, कई सारे सेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं मैमेलियन एरिथ्रोसाइट में, जो आरबीसी जब मैच्योर कर जाता है ना तो उसमें नहीं होते, पहले प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बाद में उसे सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, तो उसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 44 हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन, डाइकॉट सीडलिंग, अबव थ्री स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी लेफ्ट साइड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इथाइलीन वाले पोर्शन में 3 पॉइंट लिख रखे हैं, आंसर क्या जाएगा 4 इथाइलीन, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 45 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच ऑफ द अंडर गिवन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस, रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। कुछ याद आता है क्या, किसके साथ है ना, तो कौन सा, लिम्बिक लोब हाइपोथैलमस के साथ मिलकर, तो लिम्बिक लोब चला जाएगा, एनसीईआरटी में डिटो लाइन लिख रखा है वहां पे, है ना, राइट साइड में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बगल में ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम है और इसके बगल में ये लिख रखा है। 46 ये डायरेक्ट याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है ये। ट्रैप डोर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फॉर एंटोमोफिली इन विच प्लांट, तो देखो डायरेक्ट याद रखना है, मैंने उस तरह से क्वेश्चन सेट किए हैं कि 90 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर होते ही हैं, है ना, तो वो तुम यहाँ पे सिर्फ आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो वो कुछ कुछ जो ई स्पेशल पॉइंट है वो एग्जाम के पहले मैं बता दूंगा, जैसे जैसे चैप्टर वाइज वो चलता जाएगा कि कौन से पॉइंट तुमको याद रखने हैं। तो 46 का आंसर 1। 47 टू डेवलप अ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट बाय, क्वेश्चन नंबर 47 याद करो, कुछ याद आती है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बस उसमें से ही तो पूछा गया है। एक मुझे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट पैदा करना है, डेवलप करना है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट बाय, किसका सहारा लेना होगा, ये तुम बात जानते हो, वेक्टर का सहारा लेना होगा, तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के लिए किसका सहारा लिया गया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का सहारा लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से निकाला हुआ बहुत अच्छे तरीके से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम सुना होगा, एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल इज लोडेड, लोड कहां करते हैं सैंपल, जो भी मुझे डालने का है डीएनए वगैरह डालने का है, कहां लोड करोगे तुम, पहली चीज वेल्स में लोड करते हैं सबको पता है, उसके बाद निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भी डालते हैं, दोनों जगह सैंपल डालोगे तभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, आंसर क्या होगा 4, 1 and 3 बोथ। क्वेश्चन नंबर 49 एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज ह्यूमर नाम किस चीज से रिलेटेड होता है, बॉडी फ्लूड से रिलेटेड नाम है, तो ह्यूमरल की बात आ रही है तो क्या चला जाएगा आंसर 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन, और नहीं तो तुम्हें ह्यूमर भी समझ में आती होगी तो बॉडी फ्लूड ब्लड ही तो है। क्वेश्चन नंबर 50 इसके बाद अपने मार्क्स बताओ कितने आउट ऑफ कितने आ रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स पार्सनिंग किसने दिया, याद आती है वाबलर की 5 स्पेसीज,
वार्बलर की पांच स्पीसीज मैकआर्थर ने तो बोला था, एक पेड़ पे बहुत सारे वार्बलर के स्पीसीज रह रहे हैं, सबने अपने काम के बंटवारे कर लिए, किसी ने कहा मैं पल्प खाऊंगा फ्रूट का, किसी ने कहा मैं सीड खाऊंगा, किसी ने कहा कुछ खाऊंगा, तो किसी ने कहा कुछ खाऊंगा। जल्दी से एक बार अपने अपने मार्क्स बताओ भाई, जल्दी से मार्क्स बताओ। हमारे बीच है मोहम्मद कैफ, राबिया बेगम, बिस्मा भट्ट, तेलुगु टेक लर्न, प्रज्वल, शिव कुमार, शुभदीप, मधुकर, अनुभा, राकेश, संदीप, प्रमिला, रिया, शिव कुमार, निशा, करिश्मा, रॉकस्टार, जुनैद, आर्या, विंध्या, नजमूल, रिया, लक्ष्मण, प्रहर्ष। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सबके। तुम लेट से आए हो कोई बात नहीं, मार्क्स तुम्हारे अच्छे आने चाहिए। मिस तुम ये पेपर बाद में फिर करना, है ना, पेपर एक बार फिर करना। मतलब एक पहले तो ध्यान देना होता है एक्यूरेसी पे, अगर तुमने एक्यूरेसी पे ध्यान दे दिया ना, और एक्यूरेसी के बाद बढ़ती है तुम्हारी स्पीड, जब ये दोनों चीज आ जाती है ना, तब नीट में टारगेट कर सकते हैं ऑल इंडिया रैंक अच्छी। ठीक है, तो पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है और उसके बाद तुम्हें स्पीड पे फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसी ये चीज तुम्हें करनी है। ओके, पहले एक्यूरेसी पे और फिर स्पीड पे। तुम अभी ट्राई करो कि डेली एक मेजर पेपर लगाओ, डेली कम से कम एक मेजर पेपर लगाओ। मेजर अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, माइनर पेपर स्टार्ट करो, जिसमें दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर इस तरह से दे रखे हो, तो वो करोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई वैबल डांस नहीं होता, वैबल डांस नहीं होता, टेल वैगिंग डांस होती है ना, हनीबीज में देखने को मिलती है टेल वैगिंग डांस, एक राउंड डांस होती है। ओके, हाँ भाई, 51 क्वेश्चन नंबर 51, ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन का टाइप है जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स यूज हुए हैं सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स कम से कम है। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज ट्रू फॉर मैमलिया? व्हाट इज ट्रू फॉर मैमलिया? मैमलिया के बारे में चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने। प्लैटिपस इज ओविपैरस, ऑर्निथोरिंकस का नाम सुना है तुमने, ऑर्निथोरिंकस ओविपैरस होता है, तो पहली स्टेटमेंट तुम्हें सही मिल गई, बाकी तीन स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। 53, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस विद इन द टू गार्ड सेल्स, द ओपनिंग ऑफ अ स्टोमेटा टेक्स प्लेस मोर इजली ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइबल्स बिकॉज, ये क्वेश्चन है तुमसे डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 53। वहां पे रेडियल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, एनसीईआरटी साफ लिखती है वो लाइन, रेडियल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है जितने भी वहां पे सेलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं गार्ड सेल्स के पास, है ना, वो लाइन जरूर देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो, राइट साइड में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जहां पे स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स वगैरह का डायग्राम है, उसमें चीज लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, जितने भी डिजीज तुमने देखे है ना जिसमें मिक्सिंग हो सकती है प्योर और इम्प्योर ब्लड की, उसमें तुमसे पूछा गया है कितने डिजीजेस हैं जिसमें मिक्सिंग हो सकती है, देख लो पांचों डिजीज के नाम एक बार। देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, बाकी जो तीन डिजीजेस हैं ये तीनों डिजीजेस में मिक्सिंग होती है, तुमने सुना होगा दिल में छेद हो जाना, बस वही सब तो हैं, पेटेंट फोरामेन ओवाले, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस और वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, आंसर है 3। 55, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस वर्क अलोंग विथ, किसके साथ मिलकर काम करते हैं? हाइपोथैलेमस के बिना सब कुछ अधूरा है, तो हाइपोथैलेमस के ही तो साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे थर्मोरेगुलेशन इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन व्हिच इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस,
क्वेश्चन नंबर 56, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें कौन सा लग रहा है? जो भी गलत लग रहा है ना तुम्हें कि मेरे से मिस्टेक हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो और एनसीईआरटी से मैच करो क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 56 तुमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तुम एनसीईआरटी में जाकर आज ये लाइन देखना तो मैं बस आंखें खुल जाएंगी कि लाइन कैसे यहां पर क्या घुसा रखा है। क्या स्पिंडल शेप देखने को मिलता है? जनरेटिव की कहानी होती है। 57, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड बाय, ये तो ऐसे फैक्ट है तो मैं डायरेक्ट याद रखना है ये कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड वाज कौन सा था? वीडीसाइड रेसिस्टेंट टोबैको। क्वेश्चन नंबर 58, तुमने बहुत सारे बायोटेक रिएक्टर देखे हैं, एयर बबल्स ड्रामेटिकली अगर इंक्रीज करना है ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया तो क्या होगा? एयर बबल्स कहां ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है? तुम जानते हो कि स्टीरर का इस्तेमाल ही किया जाता है कि एयर बबल्स को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। तो सिंपल में तो काम ये तुम्हें भी लग रहा होगा कि नहीं, सिंपल तो नहीं मालूम, सिंपल में तो होगा भी नहीं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन आते हैं नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, बोथ वन एंड टू होगा नहीं क्योंकि पहला आ नहीं रहा है, सिंपल होगा नहीं, तो ओवरऑल क्या आता है? स्पार्स्ड। सिंपल से अगर बायोरिएक्टर की टाइप देखें तो वैसा बायोरिएक्टर होता है स्पार्क्ड जिसमें एयर बबल्स ज्यादा आते हैं क्योंकि उस तरह से उसका देखने जो जनरली मैकेनिकल है ना, जो मैकेनिकल सेटअप है उसका वैसे ही होता है जिसके कारण O2 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, HIV starts destroying which of the following after entering the body? HIV का जिक्र आते के साथ ही हेल्पर टी सेल्स का जरूर बात करते हैं, तो हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेगा, हेल्पर टी सेल्स के नंबर कम होने लगेंगे 60। इसके बाद बताना मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुमने जितने क्वेश्चन किए उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं। सिलेक्ट द स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर पैरासिटीज, नॉट ट्रू फॉर पैरासिटीज। पैरासाइट आता है हम पे, हम में स्लोली स्लोली, हौले हौले, धीमे धीमे काम करता है वो। इंस्टेंटली तो काम है प्रीडेटर का ना, तो किल द होस्ट इंस्टेंटली, गलत बात। ये प्रीडेटर की लाइन सही है, प्रीडेशन की सही है, और बाकी सब तुम लाइन जानते हो कि सही है, ये वाला गलत है। तो 60 का आंसर 4। चलो 61 लगाओ, द मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांट रिस्पेक्टिवली। मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते तो बहुत है, ऑटोट्रॉफ, केमोट्रॉफ, होलोजोइक, फोटोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ, होलोफाइटिक, एनिमल्स, मैं और तुम। होलोजोइक के कैटेगरी में आते हैं, ये बात तो सबको सही जम रही है। फंजाई की बात एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, प्लांटी की बात होलोफाइटिक नेचर का होता है। होलोजोइक पहले खाओ फिर पचाओ, एक होता है एब्जॉर्प्टिव नेचर जो फंजाई और बैक्टेरिया के केस में होता है, पहले पचाओ फिर खाओ, और बाकी बचा प्लांटी। होलोफाइट्स होते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं खुद पे, सनलाइट आएगा केमिकल एनर्जी बना लेंगे। 62, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्क्वैमस एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, सही बात। क्यूबॉइडल कॉलमनर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सही बात। सिलेटेड एपिथेलियम का काम है कोई भी पार्टिकल और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर दे, सही बात। आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। 63, Which of the following plant roots absorb water and minerals from soil through symbiotic association? हाँ छोटू जल्दी से बताओ symbiotic association के बारे में। Which of the following plant roots absorb water and minerals from soil through symbiotic association? कुछ बात याद आती होगी माइकोराइजा की। माइकोराइजा बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते बनाता था, इसमें बड़े वाले कौन हैं? पाइनस। पाइनस के साथ रिश्ते बहुत बेहतर बनते हैं माइकोराइजा के। पाइनस प्लस रूट्स ऑफ फायर प्लांट, वहां से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। 64, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में सबसे सही कौन सा लग रहा है? रेप्टाइल्स के बारे में सबसे सही कौन लग रहा है? रेप्टाइल्स की बात करते हैं, क्रोकोडाइल में चार हार्ट होते हैं, बाकी सब में मिक्सिंग देखने को मिलती है, तो ओवरऑल कह सकते हैं मिक्स ब्लड इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। 65, अब ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का। हार्मोन नाम इरिथ्रोपोएटिन और एक और नाम रेनिन, आर सीक्रेटेड बाय वेसल। खूब नाम चले हैं इसके,
जेजी सेल, जेजी सेल, जेजी सेल का काम क्या, खूब रिलीज करो, रेनिन को भर भर कर रिलीज करो। तो ओवरऑल क्या चला जाएगा, जेजी सेल्स ऑफ किडनी। 66 तुम्हारे सामने डायग्राम, चार लेबलिंग बतानी है तुम्हें। यहां पे हो गया तुम्हारे सामने ए, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी। एक ही बात करते हैं क्या, मोरूला है ये? हाँ मोरूला है ये। बी की बात करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट है क्या? हाँ ब्लास्टोसिस्ट है। सी वाला, अच्छा बाहर वाला है, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं ना, तो ये दोनों गए। अंदर वाले को इनर सेलुलर मास कहते हैं ना। आंसर क्या जाएगा, 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डायग्राम एनसीईआरटी की लेफ्ट साइड में डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन इज नॉट यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट पे किन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ट्राइकोडर्मा, बीटी, बैकुलर वायरसेस और सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया है ना, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं यूज होते बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे। 68, इन अ वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स के लिए तुम्हें कौन से लगते हैं हेल्पफुल? इन अ वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। कई सारे नाम सुने होंगे तुमने, एम्पिसलीन आर, टेट्रासाइक्लीन आर रेसिस्टेंट होते हैं कई सारे। तो 68 का आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा 3 सिलेक्टिवल मार्कर, सिलेक्टिवल मार्कर। 69 करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें चूज करना है, LSD is obtained from cannabis sativa, नहीं cocaine, coca, coca है ना, तो cocaine is obtained from erythroxylum, coca, answer है 2। सिंपल सिंपल है यार सब NCERT के लाइन के। आज तुम देखना स्क्रीनशॉट लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में देखना, ये चीज पता चलेगा। चलो 70 बोला जा रहा है ना, ऑड इकोलॉजी में तुमने कई रिलेशनशिप पढ़े हैं, है ना, रिलेशनशिप पढ़े हैं तुमने, बस उस रिलेशनशिप में तुम्हें एक बताना है जो यहां पे कहीं ना कहीं ऑड लग रहा हो, ऑड लग रहा हो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। एनसीईआरटी, कोपॉड्स ऑन मेराइनफिस, बाकी सब सही लग रहे हैं तुम्हें, एक से बिलोंग कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, बाकी 70 का सी ये अलग है बिल्कुल। एक बार जल्दी से मार्क्स बता दो, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, वीरेंद्र, कामेश, मोहम्मद कैफ, शीफा कालेम, अनुभा, रिया, विशाल, काजल, प्रमिला, मेघा, आयुषी, निशा, रिया, नैन्सी, करिश्मा, अनुभा, मधुकर, राजकुमार, अनुपमा, विश्वजीत, रिया, काजल, जल्दी से, जुनैद, बहुत शानदार, मार्क्स बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, जितने पे भी तुम आए, है ना। वैसे मैंने सेशन स्टार्ट किया था 5 बजे, है ना, 5 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, 20 मिनट्स और सेशन चलेगी क्योंकि 20 क्वेश्चंस करीब और हैं, टोटल 90 क्वेश्चन का ये सेशन था। तुमने पूरी नहीं देखा, लेक्चर होने के बाद देखना तुम, जो जो क्वेश्चंस नहीं लगाए हो, ये पेपर एज इट इज सैंपल पेपर है, ठीक है ना, ये एनटीए का पेपर नहीं है। एनटीए के पेपर तो थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस थे, लेकिन मैं जो वो पेपर लाया हूं जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कनेक्टेड है पूरा का पूरा, ठीक है, ओके। ये जो एग्रेट फोरेज क्लोज टू कैटल है ना, ये कॉमन सेलिस में होता है ना, रोशनी है, तो ये कैसे हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, बंगाल की फेमिन बहुत ही पॉपुलर, आयरिस फेमिन बहुत ही पॉपुलर, आर कॉज्ड बाय। बंगाल फेमिन, चावल के बारे में मालूम होगा, बंगाल फेमिन, हेलमेंथोस्पोरियम ऑरिजी, ठीक है, बंगाल फेमिन, दो तो गए बाकी बचते हैं ये दोनों, हेलमेंथोस्पोरियम ऑरिजी, ठीक है। आयरिस फेमिन की बात करते हैं तो फाइटोप्थोरा, ये तो अलग है ना, अल्टरनेरिया सोलानी, आंसर क्या चला जाएगा, 3, ठीक है। क्या बोल रहे हो, 63 का 4 ऑप्शन रोशनी, 63 का 4 ऑप्शन ऑल एंड जो स्पर्म में नहीं देखने को मिलेंगे ना रोशनी, जब कभी भी रिलेशनशिप बनते हैं ना यहाँ पे, तो वो केस जनरली होता है बड़े बड़े प्लांट्स के साथ, बड़े बड़े प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ पाइनस आता है, पाइनस और फंजाई, ऐसे रिलेशनशिप को हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72,
क्वेश्चन नंबर 72 लगाओ जल्दी से, इजी इजी क्वेश्चन है। एक रिंग है 6 से 8 ब्लाइंड टेबल्स का, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा इस चीज को? इस चीज को बोला जाता है 4। आंसर क्या जाएगा? 4। कई बच्चे लगा रहे हैं आंसर बी, बिल्कुल गलत है। देखो ना, चाहे तुम गैस्ट्रिक सी की कह दो, चाहे तुम हेपेटिक सी की कह दो, बात तो बराबर हो गई ना, और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, तो आंसर चला जाएगा 4। पढ़ना कॉकरोच में आज, फोर गट मिड गट, राइट साइड पेज एनसीईआरटी 73। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी। जल्दी लगाओ, ऐसे बीजी से क्वेश्चन है, इजी इजी से क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लगाओ। जल्दी से लगाओ, सब इजी इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, इट इज, नाम सुना होगा तुमने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सुना होगा, बस यहीं से तो बात उठ जाती है। इनका काम क्या है? रिलीज कर दो एनर्जी को, रिलीज कर दो और यूटिलाइज कर दो एनएडीएच में जो भी है। तुम जानते होगे एनएडीएच2 में कितनी एटीपी? 3 एटीपी। एफएडीएच2 में कितनी एटीपी? 2 एटीपी। तो बस ऐसे निकलने का काम होता है ईटीएस में। 74 करेक्ट मैचिंग, मैचिंग खेलनी है तुम्हें। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनामेल, इंसीजर, टंग और प्रीमोलर। Find out the correct match from the following, enamel, incisor, tongue or premolar. नाम सुना होगा तुमने खूब। Answer क्या जाएगा? Answer जाएगा tongue. Muscular भी है, ventral surface buccal cavity से attach होता है, और खाते हैं हम तो dorsal surface पे चीजें जाती हैं। 75, brain के parts दे रखे हैं और उनके साथ में कुछ functions दे रखे हैं। ब्रेन के पार्ट्स और उनके कुछ फंक्शन, बड़ा पॉपुलर है ये क्वेश्चन, मींस पूरे ब्रेन के फंक्शंस आ जाते हैं एक साथ। अगर तुम्हें हाइपोथैलेमस, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो थर्मोरेगुलेशन में काम आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है तो थर्मोरेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेरेब्रम की बात करते हैं तो वॉलेंट्री मूवमेंट में काम आता है। सेरेब्लम बैलेंसिंग करने का बॉडी का, पहला काम बैलेंसिंग में ईयर का जाता है, ईयर का प्राइमरी फंक्शन ही होता है बैलेंसिंग में, जो वेस्टिबुलर एपरेटस करता है। और कोक्लिया की अगर बात करें तो वो जनरली काम होता है हियरिंग में, है ना। दूसरी जो काम है बैलेंसिंग में वो सेरेबेलम की होती है। मुझे लगता है यहीं से आ जाएगा आंसर, ए का 3 बी का 1। हाँ आंसर आ चुका है, आंसर है 4। 76 The stem cells which have potency to give rise to all the tissues and organs are formed from. कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? अभी तुमने देखा था ना, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेलुलर मास। तो जिससे टिश्यू बनाने हैं, जिससे ऑर्गन बनाने हैं, सब कहां से बनते हैं? सब इनर सेल मास से बनते हैं। 77 क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर सुना है तुमने मियोसिस का नाम, मियोसिस के फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज का नाम सुना है, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना होगा तुमने। तो क्रॉसिंग ओवर कहां चलेगा? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में चलेगा, पहला तो ये करेक्ट है। दूसरा, बिटवीन टू डिफरेंट लिंगेज? नहीं। विद इन अ लिंगेज? हाँ। तो 77 आंसर चूज करो जल्दी से, आंसर ए और सी, खाता हूं। जब भी चलेगा होमोलोगस में चलेगा, होमोलोगस के नॉन सिस्टर में चलेगा, याद रखना, बहुत बहुत पॉपुलर है। चलो बायोमोलिक्यूल्स भी आ गया। बायोमोलिक्यूल्स के ज्यूटर आयंस याद होंगे तुम्हें, ज्यूटर आयंस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच याद आ रहा होगा। एनसीईआरटी देती है लेफ्ट साइड में, रिएक्शंस देती है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है तो एक निगेटिव आयन होता है। चूज करो आंसर जल्दी से। हाँ जी, देखो क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है? हाँ है। इसमें भी है? हाँ है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं है। इसमें नहीं है। आंसर ए और बी चूज करो तो आंसर 4 आएगा। आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है यहाँ पे, सिंपल सा चीज हो गया। 78 आंसर है 4। 79 इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन,
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। हॉर्स डंकी का करवाओ, इंटर स्पेसिफिक होती है ना, इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पेसीज में होते, जैसे ह्यूमन की शादियां, ह्यूमन सेम स्पेसीज में शादी करते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक अलग अलग है, हॉर्स अलग, डंकी अलग। क्वेश्चन नंबर 80, कॉनल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन सी कोस्ट ऑफ विच कंट्री। कॉनल्स ने बात की थी रिमूवल की, है ना, तो क्या जाएगा आंसर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में तो हुआ था, गैलापागोस पे तो काम अलग कहानी चल रही थी, जो गोट का काम चल रहा था, जो वहां पे गोट की जो ग्रेजिंग कैपेसिटी थी और वहां पे एक एबिंगडन टॉर्टोइस रहा करता था, वो कहानी थी वहां की। चलो नेक्स्ट 81 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज सिक्स्थ पोजीशन रैंकिंग ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। अब मैं आखिरी में पूछूंगा 9 क्वेश्चन के बाद तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 90, फिर लास्ट में एक सजेशन दूंगा कैसे तुम्हें मेजर पेपर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 81 अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्लिगेट कैटेगरीज जानते हो टोटल कितने हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। पहले नाम लिख लेता हूं मैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। अब बोला गया है इसमें सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। अब ये तो मालूम है नहीं, तुम नीचे से सिक्स देखोगे या ऊपर से सिक्स, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग की कोई चर्चा तो है नहीं। नीचे से सिक्स देखोगे तो ये वाला, ऊपर से सिक्स नीचे तक देखोगे तो ये वाला आ रहा है, कहीं ना कहीं कहानी तो यही है। नेक्स्ट फाइलम या डिवीजन जो मान लो, और बाकी तुम जीनस मान लो, क्या इसमें कोई भी डिवीजन और फाइलम का नाम लिख रखा है? सेपेंडल्स एक ऑर्डर होता है, ये तो जाएगा नहीं। एनाकार्डियासी फैमिली है, जाएगा नहीं। मैंगी फेरा इंडिका पूरी की पूरी स्पेसीज होती है, जाएगा नहीं। बचा कौन, मैंगी फेरा मतलब जीनस दे रखा है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे करेंगे इसको। 82 सेल थियरी, नाम सुना होगा खूब तुमने, क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे होगे सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी स्टेट्स दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेल्स के बने होते हैं और सेल्स के प्रोडक्ट के बने होते हैं। 83 एनसीईआरटी की लाइन है, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एसोसिएटेड विद एपोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम एपोएंजाइम। ट्रांजिएंटली यूजुअली ड्यूरिंग क्वेश्चन नंबर 83 ट्रांजिएंटली यूजुअली ड्यूरिंग कौन से कोर्स में होंगे भाई, कौन से कोर्स में होंगे जल्दी से बता दो, कौन से कोर्स में होंगे जल्दी से बताओ, कौन से कोर्स में होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब वो काम चल रहा है ना तो उस दौरान होंगे वो। चलो 84 हाउ मेनी नेम आर इन द लिस्ट गिवन बिलो व्हिच इज अमोनोटेलिक इन नेचर, तुम्हें अमोनोटेलिक कितने लग रहे हैं, अमोनोटेलिक तुम्हें कितने लग रहे हैं, अमोनोटेलिक। मैं सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें एग्जांपल, ठीक है, एक इसका काम तुम करोगे एनसीईआरटी में, ठीक है। मैं तुम्हें आंसर भी बता रहा हूं, ठीक है, आंसर चलो 2 बता रहा हूं, ठीक है। एक तुम्हें एक्वेटिक इंसेक्ट, एक खोजने की जिम्मेवारी तुम्हारी, ठीक है। इतना हिंट दे सकता हूं, वो तुम एनिमल किंगडम में पढ़े हो, साइक्लोस्टोमेटा के वो नीचे है, साइक्लोस्टोमेटा के वो नीचे है, ठीक है। चलो कॉन्ट्रिस्थाइज के बाद अब तो पता कर ही लोगे कौन है, फ्रेस और मेराइन में तुम्हें खोजना है, एनसीईआरटी में वर्ड देखना, आंसर 2 है, ठीक है। देखना मोनोटेलिक का एग्जांपल कौन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो 85 इनर ईयर आल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम लोकेटेड ओवर द कॉक्लिया कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनसीईआरटी डी टू लाइन उठा रखी है, यहां पे तुम्हें ए बताना है, यहां पे तुम्हें बी बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 ब्रेक डांस में बैठे हो, डिज्नीलैंड मेले में गए होगे, डिज्नीलैंड हाँ वहां बैठे होगे ना, बस तो उतरते हो तो क्या होता है, चक्र जैसा आता है, तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट्स और प्लस बॉडी बैलेंस। अभी तो कुछ देर पहले बता रहा था ना वेस्टिबुलर एपरेटस का काम होता है बैलेंसिंग में। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच तुम्हें कौन सा लग रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और यूटेरस। यूटेरस की बात करते हैं तो बर्थ कैनाल तो होगा नहीं, बर्थ कैनाल में कौन है, सर्विक्स और वेजाइना, तो आंसर जाएगा 4। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लियोट्रॉपिक जीन,
Which of the following is not a pleiotropic gene? Codominance पढ़े हो ना, तो codominance वाला है ना example ये, 4 वाला example तो codominance का है, वो तो आएगा ही नहीं. 88, homologous analogous में बोला गया है incorrect matching बतानी है तुम्हें, incorrect matching कल आने वाला है नीट का डेट है ना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग अभी क्या करेंगे करने वाले हैं, जो भी हमारे पास 40 डेज बचे होंगे या 60 डेज बचे होंगे नीट, ज्यादातर मुझे लग रहा है जो सितंबर में होने का, सितंबर के फर्स्ट वीक में, देखते हैं कल क्या आता है नोटिफिकेशन. 88 आंसर क्या जाएगा, 4, क्योंकि दोनों गलत दे रखे हैं. गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ ह्यूमन एनालॉगस होना चाहिए और ये वाला होमोलोगस होना चाहिए. ओके, होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम है, फंक्शन अलग अलग है. जैसे कॉकरोच का ही देखो ना, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होता है, किसी का लैपिंग टाइप होगा, सबका अलग अलग होता है. 89, ऑटोइकोलॉजी सिनिकोलॉजी. ऑटोइकोलॉजी, इकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, ऑटोइकोलॉजी और सिनिकोलॉजी. ऑटोइकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो जब भी होगा ऑटोइकोलॉजी तो किसी ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर सकते हैं, किसी पॉपुलेशन लेवल पे बात कर सकते हैं, किसी स्पीसीज लेवल पे बात कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे कभी नहीं होगी. इस लेवल पे अगर बात करना है ना, तो सिनिकोलॉजी को तुम्हें आगे कंटिन्यू करना होगा, है ना. मानो कि तुम्हें प्लांट की कम्युनिटी पे पता करनी है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तुम एक मेजर पोर्शन ले लिए सारे का सारा का, हो गया बड़ा का बड़ा, तो ये हो जाएगा सिनिकोलॉजी का. आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 90, फिर अपने मार्क्स शेयर करोगे तुम, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे काम करना है आगे. आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच टाइप ऑफ सक्सेशन टेक्स प्लेस इन अबंडेंट फार्मलैंड्स. जो फार्मलैंड्स बहुत दिन से छोड़ दिए गए हैं, जिन पर कोई काम चल नहीं रहा है, जिन पे कोई काम चल नहीं रहा है, मानो कोई तुम्हारे पास खेत था, ठीक है, तुम डॉक्टर बन गए, तुम डॉक्टर बनकर चले गए बाहर, मम्मी पापा को लेकर चले गए बाहर, चले गए मुंबई में, अब तुम काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो तुम, ठीक है. जब तुम फिर आओगे कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद फिर से लौटते हो जब घर पे, तो वो क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, प्रोग्रेसिव होगा, रेट्रोग्रेसिव होगा, क्या होगा? इसमें कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. देखो रेट्रोग्रेसिव तब होता है ना, छोड़ो छोड़ो रेट्रोग्रेसिव तो छोड़ो, पहले प्राइमरी सेकेंडरी की पहले बात करते हैं. प्राइमरी की जब बात करते हैं, जहां पे पहले कुछ नहीं था, यहां पर तो है ना कुछ पहले, ना उनके खेतों को जलाया गया है, सिर्फ खेतों को छोड़ दिया गया था. सेकेंडरी तो हो नहीं सकता, वैसे प्राइमरी का ही पार्ट होता है अबंडेंट फार्मलैंड्स, ठीक है, डी तो होगा नहीं, खत्म हटाओ. रेट्रोग्रेसिव तो अलग बात है, ये चीज होती है किसमें, प्रोग्रेसिव में. सिंपल सी बात देखो, जैसे जब उन्होंने अपने खेत को छोड़ रखा होगा, उनके खेत में छोटे छोटे आम के पेड़ रहे होंगे, छोटे छोटे अमरूद के पेड़ रहे होंगे, छोटे छोटे बागीचे रहे होंगे, उसमें तो घना जंगल आ गया होगा ना, तो घना जंगल आ गया होगा, पहले था ज्यादा डेंस वेजिटेशन नहीं थी, अब डेंस वेजिटेशन है, तो बताओ जरा, डेंस वेजिटेशन आ गया तो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की कहानी होगी ना, तो प्रोग्रेसिव कहते हैं इसे, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ सक्सेशन, ठीक है, जो अबंडेंट फार्मलैंड्स था, तो ये चला गया प्रोग्रेसिव. अब तुम अपने मार्क्स बताओ यार, कितने आ रहे हैं, मार्क्स बताओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें काम करना है. इसके आंसर की भी शायद दे रखे होंगे, है ना, हाँ आंसर की भी दे रखा है, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो. ओके सॉरी, ओके, अब मार्क्स बताओ जरा अपने, मिस 80 अभी तक मैं हाईएस्ट देख रहा हूं इसमें, ठीक है, 80 में हाईएस्ट देख रहा हूं, 81 हाईएस्ट पे चल रहा है, ठीक है, मिस 81 आज का हाईएस्ट मार्क्स था, जिसके 81 आए हैं ना, जैसे लक्ष्मण है, भीष्मा है, ओके, लक्ष्मण भीष्मा, जिनके भी 80 प्लस है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, है ना, और कई बच्चे जैसे प्रमिला 75 में ही 67 ला रही है, बहुत बढ़िया, है ना, ओके ओके ओके, ठीक है, तुम अपने आप पे काम करो, ठीक है, अपने आप पे काम करो और भी अच्छा होगा. कैसे देख लो, एनालिसिस करना है, माना कि मुझे एनालिसिस करना, मैं कैसे करूंगा एनालिसिस, ये देखना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, माना ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, मैंने लगाया, मुझे पता चला क्वेश्चन नंबर 2 मेरा गलत चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, 3 भी गलत चला गया कोई बात नहीं, 4 भी गलत चला गया कोई बात नहीं, मैं तो इस पे फोकस करूंगा कि अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन ये था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से था, ठीक है मैंने लिख लिया टॉपिक का नाम. 3 नंबर का क्वेश्चन जो था, अच्छा वो राइबोसोम से था, लिख लिया क्वेश्चन. 4 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा ब्रायोफाइटा से था, लिख लिया क्वेश्चन. अब क्या हुआ, अब तुमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या और मेरा कहां पे गलत हुआ है। उस टॉपिक को तुम पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसी राइबोसोम, ऐसी ब्रायोफाइट, सब धीरे धीरे तुम्हारी ये मार्क्स जो है ना बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे साथ डेली पेपर सॉल्व करो, शाम में 5 बजे डेली पेपर सॉल्व होगा बस, तो तुम्हारी एक अच्छी लेवल पे प्रैक्टिस तुम्हारी बनती चली जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नीट पोस्टपोन्ड होगा और कल उसका आएगा जो भी फ्रेश डेट है। मुझे जहां तक लग रहा है कि नीट एग्जाम सितंबर तक जाएगी, है ना, सितंबर के फर्स्ट वीक में, नहीं तो अगस्त के में जो भी होगा ना 15 अगस्त के बाद ही होगा एग्जाम, ठीक है। और अगर तुम्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो नीचे ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड लगाना, रेफरल कोड है ये, जिसमें तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे पर्सनल गाइडेंस में तुम आ जाओगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर तुम इस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नो कॉल्स ओनली मैसेजेस, ठीक है, ओके। चलो भाई बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल की शाम 5 बजे, ओके, कल की शाम 5 बजे मिलते हैं। मैराथन सीरीज स्टार्ट होगी कल, पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार नीट की फ्रेश डेट क्या है, ओके। हाँ बिल्कुल रश्मि, ऐसे ही शाम में डेली 5 बजे क्लासेस होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी टारगेट करूंगा कि इस तरह ही क्लासेस हों डेली शाम में 5 बजे, कभी मेजर पेपर कभी माइनर पेपर, ओके। तो चलो कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए, ओके बाय, थैंक।